हाँ तो जी, 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम की यात्रा में हम रुके हुए थे एक पेट्रोल पंप में, एचपी पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे देखो भाई बैठा हुआ है, हिसाब कर रहा है अपना। यही पेट्रोल पंप में हम रुके हुए थे पिछली बार भी 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम की यात्रा में, जब हम आए थे तो इसी पेट्रोल पंप पे रुके हुए थे। अभी यहाँ पे जो है ना, हम ब्रश करके सिर्फ निकल रहे हैं, आगे में स्नान करने के बाद ही वहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे स्नान वगैरह करने का कुछ जुगाड़ नहीं था, पिछली बार भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं और जा रहे हैं ओमकारेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए। देखो यही है रास्ता, और अभी हम आए थे ये पहाड़ के जंगल के रास्ते से ग्रीष्मेश्वर जी का दर्शन करके। फिलहाल ये रॉन्ग साइड से हम चल रहे हैं, वो साइड मुझे जाना है, तो कहीं डाइवर्सन नहीं मिल रहा है। हाँ तो भैया, चलते चलते लग गया हमको भूख, ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो गया। मेरे पास अमरूद था, खा गया, मेरे को दिया गया था पीछे में एक आदमी ने दिया था, तो यही खा के अभी आगे बढ़ेंगे। वहाँ से अमरूद खाने के बाद हम पहुँचे 40 गाँव। ये जो आपको दिख रहा है बाजार, ये शहर का नाम है 40 गाँव। फिर इसके बाद आएगा धुलिया, बोर्ड में लिखा रहता है धुले, लेकिन सब कोई लोग इधर का बोलता है धुलिया। यहाँ पे देखो कुछ जुलूस निकला हुआ है, तो भैया जब से महाराष्ट्र निकली है ना, तब से हर एक 5 मिनट नहीं चलते साइकिल लेके, और इधर के लोग बोलते हैं कि चाय पी लो, नाश्ता कर लो, मेरा पेट है कि कुआ है पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखो 40 गांव में एक भाई ने मुझे उधर मिला था, तो देखो ये फिर बिस्किट ले आया, उसका कोई ज़रूरत नहीं था भाई। अच्छा रखो इधर, खा तो ले पहले। तो देखो अभी यहाँ पे समोसा और बिस्किट लेके आए भाई ने, इन्होंने तो बोल रहा था कि चलो खाना खा लोगे, लेकिन खाना खाने का भी मुझे हिम्मत नहीं है, तो समोसा खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। हाँ तो भैया यहाँ पे अभी मुझे एक दोस्त लेके आया, वहाँ पे देख रहे हो अपना साइकिल लगाए हुए हैं पार्किंग एरिया में, और ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा मोबाइल का ही हब है। यहाँ पे चारों तरफ आपको मोबाइल का ही शॉप दिखेगा यहाँ, और यहाँ पे मुझे लेके आया गुरु कृपा मोबाइल, जो मेरा दोस्त है इधर 40 गाँव में। मेरा पुराना वाला मोबाइल था खराब, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो आप लोग सबकी मनोकामना भोलेनाथ पूरा करे और सबका कल्याण करे, जय शिव, हर हर महादेव। तो यहाँ पे मेरा पुराना वाला फोन जो था वीवो V11 Pro 24 MP मूनलाइट कैमरा, तो वो वाला फोन जो है मेरा काफी टाइम से खराब था, भाई को मैंने दिया है, देखते हैं कि मेरा गाँव में तो वो ठीक नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे देखते हैं भाई लगे हुए हैं, हो पाएगा, हो जाएगा ना भाई, होगा नहीं तो इतना सारा हर हर महादेव की कृपा। अब तो जब तक नहीं कराएंगे ना, तो सारे दुकान में घूमेंगे कि भैया कर दो, हो जाएगा। चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, बहुत प्रभु आपकी रक्षा करे, सब मनोकामना पूरा करे। तो यही है ओरिजिनल बॉस जो मुझे इधर लेके आए। तो जी भैया 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम की यात्रा में अभी हम 40 गाँव में पहुंचे हुए थे, भाई के पास, रोहित भाई के पास, विशाल भाई के पास। तो इनके इनका शॉप में हम आए हुए गुरु कृपा मोबाइल, और यहाँ पे हम मोबाइल ठीक करा रहे थे, तो मोबाइल तो ठीक नहीं हो पाया मेरा, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे गिफ्ट दे रहा है, ये अंकल की तरफ से, बाबा भोलेनाथ की सब मनोकामना को पूरी करे, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो यहाँ पे मुझे देखिए गिफ्ट मिला, एक ब्लूटूथ ईयरफोन और बिस्किट। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच अंकल जी। भैया देखिए एक और दुकान में आए, इन्होंने भी मुझे देखो ये गिफ्ट दे दिया बिस्किट भर के, तो बाबा भोलेनाथ इनकी भी सब मनोकामना पूरा करे। आपका दुकान का नाम भैया? SID मोबाइल। तो इनका दुकान का नाम है, और ये 40 गाँव में, ये कौन सा जगह पे है? गणेश कॉम्प्लेक्स। किसी से भी पूछोगे तो आप लोगों को यहाँ पे पूरा मोबाइल का ही दुकान दिखेगा, चारों तरफ आपको मोबाइल का ही दुकान दिखेगा। तो आप लोग आओ यहाँ पे विजिट करो, आपको सस्ते दाम में मोबाइल भी अच्छे मिलेंगे, सेकेंड हैंड भी मोबाइल आप लोगों को यहाँ पे अच्छे दाम में मिल जाएंगे। फिर से आ गया है मेरा चाय, मतलब ये चौथा टाइम है मेरा ये 40 गाँव में चाय, ये 40 गाँव में मुझे लगता है कि पूरा दिन रुकेंगे तो 40 बार चाय पी लेंगे। सब वही बिस्किट वगैरह ना उसको भी, मतलब डोकर भी नहीं था बीच में, तो रोटी वगैरह ला भी उनके। हाँ तो भैया देखो यहाँ पे मुझे माला पहना दिया गया ब्लूटूथ का, और यहाँ पे देखो भैया लोग हैं, 3 पैकेट बड़ा बड़ा बिस्किट भैया की तरफ से, और वो कहोगे रोहित विशाल, अच्छा भैया के तरफ से 3 पैकेट बिस्किट दिया गया, और यहाँ देखो ब्लूटूथ भी दिया गया, इसमें आवाज़ बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, और सब भाई लोग आए हुए हैं ये 40 गाँव के, देख रहे हो।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, हर हर महादेव। अब रेखा में चोटे ये आते जी, वहाँ से 40 गांव से चले मोबाइल दुकान से, वहाँ पे मुझे देखे आपने ब्लूटूथ एक गिफ्ट मिला, और कई सारा आप देख रहे हो यहाँ पे बिस्किट दिया गया, इतना सारा बिस्किट है कि मेरा पूरा महीने भर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 40 गांव में बहुत ही अच्छा दिन रहा मेरा, बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला मुझे यहाँ पे, बहुत प्यार मिला लोगों से। तो उन लोगों का भोलेनाथ सब मनोकामना पूरा करे, भोलेनाथ से हम यही कामना करते हैं कि वो लोगों को बहुत तरक्की मिले, उनका सब मनोकामना पूरा हो। अभी हम देखो यहाँ पे ब्रिज पे खड़े हैं, अब ये सीधा रास्ता जाएगा धुलिया की तरफ। देखो भैया बीच में साइकिल, दोनों साइड गाड़ी देख रहे हो, ऐसा फील आ रहा है ना कि बीच में चल रहा है फरारी और साइड साइड में बाइक सब पीछे भी देखो कितने सारे बाइक मेरे साथ आ रहे हैं, ये सारे 40 गांव के लोग हैं, अभी साथ में जा रहे हैं, थोड़ा आगे इन लोगों के साथ भी फ़ोटो क्लिक कराएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे ये धुलिया की तरफ। ये देखो भाई सब जा रहे हैं साथ में। जय भोलेनाथ। हाँ तो जी दोस्तों, मुझे चलते चलते लग गया भूख, मेरा शकल देख रहे हो, शकल का बैंड बजा हुआ है, भूख लग गया। अभी हम यहाँ पे खाएंगे चूड़ा और भुजिया, कच्चा पोहा जिसको आप लोग बोलते हैं, हम लोग चूड़ा बोलते हैं उसको, तो चूड़ा और भुजिया यहाँ पे खाएंगे और उसी से अपना भूख मिटाएंगे। जय भोलेनाथ की, प्रभु कृपा करो हम पे। जय भोले, देखो यही है मेरा खाना आज का, जो बच्चा कुछ आया भाई वही खा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है हमको, थोड़ा सा ये चूड़ा है जो कि मुझे कराड़ में मिला था, ये पीला वाला ख़त्म हो गया, ये भी फेंको, और ये थोड़ा वाइट वाला है तो इसको बीच में मिलाएंगे, थोड़ा सा नीचे गंदा बैठा हुआ गर्दा जो होता है ना, गर्दा जिसको बोलते हैं वही बैठा हुआ है, तो नीचे वाला नहीं लेंगे, देखो हाथ मेरा कैसे हो गया गर्दा गर्दा, तो चूर जो हो जाता है ना उसको गर्दा बोला जाता है, तो नीचे वाला झाड़ देते हैं, प्लास्टिक मेरा खाली हो गया, अभी यही हम खाएंगे। अभी इसमें थोड़ा हल्दीराम का भुजिया मिलाएंगे, ये भी ख़त्म ही होगा लगभग, ये भी इंड है, इंड इंड खरीदेंगे ये भी भाई। ख़त्म, यही आज का मेरा खाना। हाँ तो जी, खाने के बाद वहाँ से हम चले, पहुँच गए अभी हम धुलिया, और यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है मुंबई लेफ्ट साइड 331 किलोमीटर, इंदौर राइट साइड 265 किलोमीटर, और सूरत सीधा जाएगा 227 किलोमीटर। तो मुझे लेना है राइट साइड इंदौर के रास्ते, जिसमें मुझे मिलेगा ओमकारेश्वर महादेव जी। हाँ तो ये हाईवे पे आए ना भाई, ये हाईवे है नई दिल्ली मुंबई वाला हाईवे, मेरे पीछे साइड सीधा मुंबई चले जाएगा 331 किलोमीटर पे, और ये सीधा रास्ता चले जाएगा 1000 किलोमीटर में दिल्ली। हाँ तो भैया शाम हो रहा है, देख रहे हो सामने मुझे दिख रहा है एफिल टावर वो वाला, और यहाँ पे सीधे हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर की ओर। अभी शाम हो गया तो आप रुकने का जुगाड़ लगाएंगे, यहाँ रास्ते में जो पहला पेट्रोल पंप दिखेगा उसी में रुक जाएंगे। पिछली बार हमको याद आ रहा है कि हम इसी जगह पे इसी ब्रिज पे एक मुझे तमिलनाडु का राइडर मिला था जो मेरे साथ रुका था इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में, तो मुझे वो याद नहीं आ रहा है वो पेट्रोल पंप कितना दूर पे है, तो पहला पेट्रोल पंप जो मिलेगा उसी में रुक जाएंगे। हाँ तो जी भैया, यहाँ मुझे दिख गया इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, तो इसी पेट्रोल पंप में आज रात मेरा नाइट स्टे होगा, तो चलिए बात करते हैं और यहाँ पे सीधा रुकते हैं। हाँ तो पिछली बार जब हम आए थे ना, ये वो वाला पेट्रोल पंप नहीं है भाई, सेम टू सेम मुझे वैसा ही लगा, दीवार वगैरह ऑफिस वगैरह सब वैसा ही लगा, लेकिन ये वाला वो पेट्रोल पंप नहीं है, लेकिन परमिशन जो है ना यहाँ पे मिल गया रुकने का। अब एक बार पेट्रोल पंप देख लो, ऐसा कुछ पेट्रोल पंप है, वहाँ ऑफिस है, यहाँ पे भरा रहा है पेट्रोल डीजल, और यहाँ पे हम आज रात नाइट स्टे करेंगे ये दुकान के पास में, तो ये दुकान सारा बंद रहता है, तो इसी के बीच में हम यहाँ पे आज अपना टेंट लगाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा जगह है भाई, सेफ जगह है, छपरी के नीचे आराम से यहाँ पे रात गुजारेंगे, और फिर सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे ऐसे ये सीधे ओमकारेश्वर के लिए। तो जी साइकिल यहाँ पे लगाएं और टेंट अपना जो है यहाँ पे लगाए हैं, देख सकते हो आप दुकान के बाहर में। तो भैया खाने का भी जुगाड़ हो गया, यहाँ पे पेट्रोल पंप के उस पर में जो है एक ढाबा है, और यहाँ के जो मैनेजर हैं इस पेट्रोल पंप के, उन्होंने ढाबे में जाके बोल दिया मेरे बारे में कि आएगा तो उनको खिला देना, तो अभी जाते हैं नहा लेते हैं, और नहाने के बाद रात होगा 8-9 बजे का, तो जाके खाना खा के आके यहाँ पे सो जाएंगे। तो आज का कैंपिंग मेरा यहीं पे होने वाला है, आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहने वाला है, तो वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हर हर महादेव। जय बाबा बैजनाथ।